भारतवर्ष के नाम से परिचित इस देश में सदियों पहले प्रचलित समाज व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद के दशम मंडल में कहा गया है, मुखम आसित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मूलतः चार वर्ण थे। आगे चलकर ये वर्ण जन्म के आधार पर कई जातियों में बट गए। इस जात पात के भेदभाव की जड़ें गहराई तक पहुंच गईं और उनके कटीले पौधे समाज के शिखर तक फैल गए। 19वीं सदी में विदेशियों का, अंग्रेजों का शासन इस देश में पक्का जम गया था। फिर भी इस उपमहाद्वीप में देहातों नगरों में से दलितों को अछूत बनाकर गांव के बाहर कर दिया गया था। जीवन उनका जानवरों से भी गया बीता था। दरिद्रता और अज्ञान की कोई सीमा न रही। हिंदुस्तान का पांचवां हिस्सा हमेशा ऐसा ही रहा। परंपरागत रूढ़ी से दलितों को छूना तक पाप था। बेचारा दलित वर्ग समझता रहा, यही है हमारा प्रारब्ध, यही रही हमारी कर्मगति। इसी काल में कोंकण में दापोली के नजदीक आंबवड़े देहात में अछूत महार परिवार के सूबेदार रामजी सतपाल के घर में 14 अप्रैल 1891 में भीम नामक पुत्र हुआ। भीम की प्रारंभिक शिक्षा दापोली ही में आरंभ हुई। पर इसी बीच रामजी को सातारा में जाकर बसना पड़ा। वहीं के एक अध्यापक ने अपने इस प्यारे शिष्य का उपनाम उनकी जन्मभूमि आंबवड़े से आंबेडकर रखा। इसी उम्र में भीम को एक नई व्यथा का अनुभव हुआ। बड़े बाल कटवाने वो नाई के पास गया। 1903-04 की ये बात है। किसका छोरा है? अछूत महार का? तेरे बाल काटकर मैं अपने उस्तरे को अपवित्र कर लूं? जा जा। क्या मैं अछूत हूं? भैंस के बाल काटते उस्तरा अपवित्र नहीं होता और मुझ जैसे एक आदमी के बाल काटने से होता है? एक दिन स्कूल जाते भीम को कड़ी प्यास लगी। सामने कुआं था। वो कुएं पर जाकर पानी पीने लगा। इतने में हाय राम, अछूत ने पानी छुआ। कोई है रे उधर? पीटो थेड़ को, कचूमर निकाल दो इसका। अस्पृश्यता क्या चीज है, इसका अनुभव भीम को इसी उम्र में हुआ। आगे चलकर ये परिवार बंबई के परेल विभाग में मिल मजदूरों की बस्ती में दबक चाल में रहने आया। 1907 में वही मैट्रिक पास करके भीम कॉलेज में दाखिल हुआ। दलित समाज में ज्ञान दीप प्रज्वलित करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे कार्यकर्ता प्रयत्नशील रहे थे। इस ज्योति को बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने जगाया। उन्हीं की वृत्ति से भीमराव ने 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए पास किया। उच्च शिक्षा के लिए 1913 में भीमराव अमेरिका गए। '1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की। पहले विश्व युद्ध के समय आंबेडकर जी वापस आए, फिर 1920 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन रवाना हुए। उस समय दो सगे संबंधी उनके साथ थे। ग्रंथ सगे थे, दारिद्र संबंधी था। फिर भी वहां पीएसडी बीएससी बारेटला ये एक से बढ़कर एक उपाधियां प्राप्त कर 1923 में वे भारत लौट आए। उसी समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने हिंदुस्तान में जड़ जमाई थी।
सदियों से सोया हिंदुस्तान नई चेतना से जाग उठा था। ऐसी अवस्था में डॉक्टर आंबेडकर जी ने कोर्ट कचहरी की आमदनी से परिवार को सुखी बनाने की अपेक्षा दलितोद्धार का कार्य अधिक पसंद किया। 1924 में उन्होंने कई कार्यकर्ता तैयार किए। उन्हीं कार्यकर्ताओं की सहायता से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। थोड़े ही दिनों में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका निकाली। वास्तव में राव बहादुर बोले जी द्वारा 1923 में काउंसिल में पारित प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक पनघट अछूतों के लिए कानूनन खोल दिए गए थे। फिर भी वास्तव में स्थिति जैसी की वैसी थी। जानवरों की छुआछूत चलती थी, लेकिन दलित आदमी दूर दूर। महार का चौदार तालाब नगर पालिका द्वारा अछूतों के लिए खोल दिया गया था। वहां अपना अधिकार स्थापित करने के लिए डॉक्टर आंबेडकर जी ने आम दलितों को संगठित होने का संदेश दिया। उनकी पुकार पर देहातों में से हजारों अछूतों ने 1927 में चौदार तालाब की ओर मोर्चा निकाला। महार में परिषद हुई। उसमें डॉक्टर आंबेडकर जी ने दलित वर्ग से कहा, स्वाभिमानी बनो, साफ सुथरे रहो, भीख मांगना छोड़ दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। उसी परिषद में पुरानी समाज व्यवस्था के प्रति कड़ा विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई और उनके विरुद्ध चारों ओर से टीका टिप्पणी का तूफान खड़ा हो गया। महार की तरह नासिक में भी अछूतों का मंदिर में प्रवेश पाने तथा वहां पूजा आदि का अधिकार प्रस्थापित करने के लिए कालाराम मंदिर के बाहर उन्होंने 1930 में सत्याग्रह आरंभ किया। पुलिस का कड़ा शासन होने पर भी सत्याग्रह नहीं रुका। सवर्णियों ने अंत में मंदिर के दरवाजे ही बंद कर दिए। अछूत आखिर हिंदू हैं या नहीं, इस विवाद ने पूरे भारत में हो हल्ला मचा दिया। इस तरफ बापूजी अंग्रेजों से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग कर रहे थे। उसी के फलस्वरूप 1930-31 में गोलमेज परिषद बुलाई गई। लंदन में संपन्न उस परिषद में आंबेडकर जी ने एक ओर दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की मांग की तो दूसरी ओर बापूजी ने अछूतों का हिंदुओं से अलग होना ही अस्वीकार कर दिया। इस पर दोनों में काफी संघर्ष छिड़ा। इस संघर्ष की बिजली पूरे देश में पहुंच गई। इसी संबंध में बापूजी ने पुणे के एरवड़ा जेल में आमरण अनशन आरंभ किया। शुरू में डॉक्टर आंबेडकर जी अपनी बात पर अटल रहे, इसलिए लोगों ने उन्हें घोर राष्ट्रद्रोही तक कहा। आखिर बड़े बड़े नेताओं के प्रयत्नों से संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का पर्याय निकाला गया। यही है 1932 का पुणे समझौता। बादल बरसे, कटुता की गंदी गलियां साफ हो गई। दलित वर्ग तथा सवर्ण हिंदुओं की अभिन्नता की नींव इस तरह पक्की हो गई। उसे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का पर्याय निकाला गया। यही है 1932 का पुणे समझौता। बादल बरसे, कटुता की गंदी गलियां साफ हो गई। दलित वर्ग तथा सवर्ण हिंदुओं की अभिन्नता की नींव इस तरह पक्की हो गई। आखिर आंबेडकर जी ने यह झगड़ा क्यों शुरू किया था? आप देश की मुक्ति के साथ ही अपने दलित बंधुओं के लिए न्याय सा स्वयं निर्णय तथा बंधुत्व चाहते थे। न्याय समता तथा स्वातंत्र्य लड़कर मिल सकता था, मगर बंधुत्व वैसे नहीं मिलता। इसीलिए आपने 1935 में येवले में धर्मांतर की घोषणा की। आपने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की नींव डाली। आगे 1937 में आप विधि महामंडल के प्राध्यापक और बाद में प्राचार्य भी रहे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चला। डॉक्टर आंबेडकर जी ने उस समय दलितों की महार पलटन खड़ी की।
दरमियान क्रिप्स योजना में उन्होंने दलितों के पक्ष का जोरदार समर्थन किया। 1942 में ब्रिटिशों के शासनकाल में आप श्रम मंत्री चुने गए। अब वे दलितों के बाबा साहब बने। जब तक हर अछूत का हाथ, अंतःकरण तथा उसकी बुद्धि नए तेज से उभर नहीं उठती, तब तक उनका उद्धार संभव नहीं। यह आंबेडकर जी भलीभांति जानते थे। सरकारी नौकरी में उन्होंने दलितों के लिए कुछ जगह तो सुरक्षित करवा ही दी, साथ ही मिलों में काम करने वाले स्थायी मजदूरों को सवेतन छुट्टियां भी प्राप्त करा दी। कोंकण की खेती की समस्या, महारवतन, बेगारी आदि समस्याओं पर भी आपने ध्यान दिया। हजारों वर्षों से अकर्मण्य बने दलितों के दिलों में आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान की ज्योति डॉक्टर आंबेडकर जी ने प्रज्वलित की। अब उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा संस्थाओं के निर्माण की आप सोच रहे थे। इतने में 1945 में युद्ध समाप्त हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर आंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री नियुक्त हुए। राष्ट्र ध्वज समिति के 8 सदस्य थे और इसी समिति के कारण सम्राट अशोक का रथ चक्र तिरंगे ध्वज के बीचों बीच आ गया। संविधान निर्माण समिति के आप ही सूत्रधार थे। इसी समिति ने संविधान में न्याय, स्वातंत्र्य, समता तथा बंधुत्व भावना की आरंभ में ही उद्घोषणा की। संविधान की धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता सदा के लिए दफना दी गई। एक नया युग आरंभ हुआ। शूद्राति शूद्रों के समान ही भारतीय नारी को भी अधिकारपूर्ण जीवन प्राप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने विचार विमर्श के उपरांत हिंदू कोड बिल तैयार किया। उसके पक्ष में जनमत जागृत करने की भी उन्होंने कोशिश की। 1951 में उन्होंने उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन वहां उसमें से कुछ धाराओं के संबंध में मतभेद के कारण उन्होंने मंत्री पद का त्याग किया। इस तरह लगातार 27 वर्षों तक यह युग पुरुष अपने दलित वर्ग के उद्धार के लिए लड़ता रहा। उसने पत्र पत्रिकाएं निकाली, संगठन किया, सभाओं परिषदों को गुंजा दिया, समता सैनिक दल की स्थापना की, प्रहार किए और झेले भी। उन्होंने 7 करोड़ दलितों के उद्धार के लिए एक तूफान, एक बवंडर खड़ा कर दिया। इस संघर्षमय जीवन में भी उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय तथा बंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्थापना की। नई पीढ़ी के लिए अखंड ज्ञान गंगोत्री का सृजन किया। एक समय का पद्दलित आज नव जीवन पाकर नया मानव बनकर बाहर निकलने लगा। बंबई के दादर विभाग में राजगृह नामक अपना निवास स्थान आपने 1934 में बनवाया। कई बार भूखे पेट खरीदे अनमोल ग्रंथों का संग्रह आपने इसी राजगृह में किया था। जीवन के तूफानों में भी आपने समय निकालकर अर्थशास्त्र, विधि, धर्म, इतिहास आदि विषयों पर अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे। 1952 में इस प्रकांड पंडित को विश्वमान्य कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि दी। जीवन की संध्या आई। अब एक ही कामना थी, परम तत्व में विलीन होने की। 1956 के अक्टूबर महीने में भारत के इस सपूत ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नेपाल के काठमांडू में हुई अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद में भी आप उपस्थित रहे, मगर उसी साल दिसंबर की 6 तारीख को डॉक्टर आंबेडकर का दिल्ली में देहांत हो गया। सारा देश शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार बंबई में होगा, जिस सुनते ही शहरों और गांवों से लाखों लोग बंबई आने लगे।
अच्छा। दलितों के बाबा साहब अब संसार से आखिरी विदा ले रहे थे। अंतिम यात्रा दादर चौपाटी पहुंची। उन्हें शाही सलामी दी गई। चंदन की चिता में उस महामानव का शरीर लपटों में विलीन हो गया। वे चले गए, मगर उन्होंने भारत तथा हिंदू धर्म पर लगा अस्पृश्यता का कलंक सदा के लिए मिटा दिया। सदियों से चली आई इस जर्जरित रूढ़ को जड़ से मिटा देने वाले इस परम प्रतापी युग पुरुष के जीवन का उज्जवल इतिहास केवल भारत को ही नहीं बल्कि सारे संसार को ये संदेश देता रहेगा। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम् कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां मार्गिनाशनम्।